यस लास्ट लास्ट क्लास में हमने रेशो निकालने का फर्स्ट मेथड लर्न किया कि अगर न्यूमेरिकल में ओल्ड पार्टनर्स का रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, शेयर ओल्ड ने वाला पुराने वाला कौन पा तो नए साल तक हिस्सा दिया गया है, तो आप न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब सेकेंड कंडीशन, कि वो सेकेंड कंडीशन कौन सी है जिसमें आपको फिर से वही सेम वर्क अगेन, वही काम दोबारा करना है, न्यू पार्टनर न्यू रेशो निकालना है, बट कंडीशन क्या हो जाएगी इस बार चेंज हो जाएगी, आपको एक अलग ही टाइप का न्यूमेरिकल एक अलग ही टाइप की कंडीशन मिलेगी, उस कंडीशन में आपको फिर से न्यू रेशियो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सेकंड कंडीशन को लर्न करने से पहले आप एक बात नोटिस करेंगे कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो पुराने पार्टनर उसके लिए क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, वो अपने शेयर में से कुछ शेयर उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो पुराने वालों का जो सेक्रीफाइस है वही क्या बनेगा, नए वाले का शेयर बनेगा, जो आपने दिया है वही दूसरे वाले ने क्या किया है, आपसे लिया है। एग्जाम्पल क्या था इसका, एग्जाम्पल इसका ये था कि मान लीजिए ये एक पिज्जा है जिसे ए और बी दोनों शेयर करते हैं, चार टुकड़े हैं, चार स्लाइस है इस पिज्जा के, चारों में इन दोनों को दो दो टुकड़े इनके हिस्से में आए हैं। एट द सेम टाइम एक नया पार्टनर अगर आए, एक जैसे ए और बी तो पिज्जा को शेयर करने, अब सी इनका फ्रेंड है, वो भी सेम टाइम सेम स्पॉट पे आ गया, वो भी पिज्जा खाने के लिए आ गया, अब उसे भी क्या चाहिए पिज्जा में शेयर चाहिए, आप में से कोई ये कहे कि नहीं साहब एक पिज्जा और ऑर्डर कर लेते हैं, दो तो आई नहीं, एक और एक एक तो आई है और मंगा लेते हैं, बट नहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ पाबंदियां हैं, वो पाबंदी यही है कि हमारे पास पिज्जा एक ही है और पैसे मनी भी नहीं है कि मैं और एक नया पिज्जा क्या कर सकूँ, ऑर्डर कर सकूँ, मुझे इसी में क्या करना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा, क्या करें। सिंपल सी बात है, ए और बी अपने पिज्जा का कुछ पार्ट क्या करेंगे, सी के फेवर में सेक्रीफाइस करेंगे, तो जो ये सेक्रीफाइस करेंगे वो क्या बनेगा, सी का शेयर बनेगा। अगर ए ने अपने पिज्जा में से इतना टुकड़ा और बी ने भी अपने पिज्जा में से इतना टुकड़ा सी को दिया है, तो डेट में ये पार्ट कट के सी के और क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये टुकड़ा यहाँ से गया और सी की तरफ चला गया, डेट में ये क्या बन गया, सी का शेयर बन गया, ये सी का पिज्जा है जिसे यहाँ से क्या कर दिया गया, काट दिया गया और सी में क्या कर दिया गया, एड कर दिया गया, देन मीन पुराने वालों का सेक्रीफाइस क्या बन गया, नए वाले का शेयर बन गया। तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि जो पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वही नया न्यू वाला पार्टनर क्या करेगा, उसे रिसीव करेगा, तो एक का सेक्रीफाइस और दूसरे का क्या बन गया है, शेयर बन गया है। अब इसी चीज को तुम्हें न्यूमेरिकल में क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है कि न्यूमेरिकल में ये चीज कैसे सॉल्व की जाए कि एक आदमी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उसे रिसीव कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में सॉल्व करनी है आपको। अब कैसे होगी, सेम न्यूमेरिकल, ए बी टू पार्टनर जिनका रेशियो है 3:2, सी एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, सी को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, सी एक्वायर हिज शेयर, सी अपना शेयर ले रहा है किससे, फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशियो, सी ने अपना शेयर ए और बी से क्या लिया है, इक्वली लिया है, इक्वली लिया है, दैट मीन इन दोनों का सेक्रीफाइस इक्वल है। अब अगर मैं इस 1/3 के दो इक्वल पार्ट कर दूं तो वो क्या आएगा, वो ए और बी का सेक्रीफाइस आएगा, ए और बी का सेक्रीफाइस इक्वल है, तो आप 1/3 के दो इक्वल पार्ट कर लो, जब 1/3 के दो टुकड़े होंगे तो एक 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 टुकड़ा ए का सेक्रीफाइस है, दो टुकड़ा किसका सेक्रीफाइस है, बी का सेक्रीफाइस है, तो हम काउंट करेंगे ए सेक्रीफाइस, तो ए सेक्रीफाइस क्या है, 1/3 × 1/2 1+1 1/2 एंड बी सेक्रीफाइस 1/3 × 1/2, तो ए का सेक्रीफाइस है 1/6, वो बी का सेक्रीफाइस भी कितना है 1/6, ए और बी के क्या आ गए, सेक्रीफाइस आ गए, ए ने अपने हिस्से में से 1/6 दिया है और बी ने भी अपने हिस्से में से क्या दिया, 1/6 दिया, किसके फेवर में, सी के फेवर में। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/3 बनेगा, अगर टैली करना है, बट नो नीड टू, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम सही है कि 1/6 + 1/6 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/3 1/3 किसका, सी का शेयर है। अब आपने ए और बी के सेक्रीफाइस निकाल लिए, सेंस क्या है, सेंस ये है कि मुझे ये पता लगाना है कि ए और बी का इन फ्यूचर क्या शेयर बनेगा, अब ए और बी का इन फ्यूचर शेयर क्या बनेगा, तो हमें देखना है ए न्यू शेयर, ए के पास क्या बचा है, ए के पास क्या बचा, इसका तरीका क्या है। पहले ओल्ड पिज्जा वाले एग्जांपल में क्या था, ये ए का पिज्जा था, ए इस पिज्जा को शेयर कर रहा था, उसने इतना पिज्जा किसको दे दिया, सी को दे दिया। अगर मैं आपसे पूछूंगी ए के पास क्या बचा, तो आप कहोगे कि ए के पास आधा था, आधे में से कुछ पार्ट सी को दे दिया, देन वो माइनस कर दो, जो बचा हुआ पिज्जा है वो किसका है, ए का है। तो वही सेम काम मुझे यहां करना है, ए के पास पहले क्या था, ए के पास पहले था 3/5, जिसमें से उसने सेक्रीफाइस क्या किया है, सेक्रीफाइस किया उसने 1/6, तो 3/5 में से 1/6 क्या कर दे, माइनस कर दे, तो बचेगा वो क्या बचेगा, एज न्यू शेयर, एलसीएम कितना आएगा 30,
36, 18 minus 5 कितना गया 13 upon 13, that means A is new share. इसी तरीके से same, B is new share, B का नया share क्या है? B का old share कितना था 2 upon 5, उसने भी same 1 upon 6 क्या क्या sacrifice किया? LCM कितना है 30, 30 upon 5, 6, 6 into 2, 12, 12 minus 5 कितना गया 7 upon 30. तो A का share है in future 13 upon 30, B का share है 7 upon 30, बची बात किसकी C की, तो C का तो हमने given ही है, given C का share कितना 1/3, but सबको equal करने के लिए मैंने इसे 10 से क्या कर दिया, multiply कर दिया, तो ये बन गया 10 upon 30, इनके 30, 30, 30 cancel कर दिए, तो A, B, C का new ratio है 13, 7 और 10, तो 13 is to 7 into 10 क्या बन गया, A, B, C का new ratio बन गया. सारा काम एकदम इजी प्रोसेस में था. सबसे पहले मैंने ए और बी के सैक्रिफाइस निकाले इक्वल रेशियो में, सी के रेशियो के दो, सी के रेशियो के दो इक्वल पार्ट किए, वो इक्वल पार्ट ए और बी का क्या था, सैक्रिफाइस था. अब आगे चलने के लिए ए और बी का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या किया, ए के ओल्ड में से ए का सैक्रिफाइस माइनस कर दो, बी के ओल्ड में से बी का सैक्रिफाइस माइनस कर दो, तीनों को इक्वल कर लीजिए और ये क्या बन जाएगा, इन तीनों का नया रेशियो बन जाएगा. ये आपकी सेकंड कंडीशन है. सेकंड कंडीशन पे बुक में 7 न्यूमेरिकल है, वेरी शॉर्ट टाइप, और आप उस सब इसको देख के सॉल्व करेंगे. ओके.